है ना। आप लोग भी सिद्धांत बनाओ, रियल जो है ना, रियल रियल है, इसलिए दिखावा नहीं है। कई लोग ना जिंदगी दिखावे में जीते हैं, दिखावे। उसने 50 लाख का कोठी बनाई है, घर बनाया, हम भी बनाएंगे, क्यों दिखावा कर रहे हो? तुम घास की झोपड़ी लायक हो तो घास की झोपड़ी में रहो ना, खुश रहो। यदि तुम्हारे पास है बनाओ, दूसरों को देख के ना करो, अपनी लाइफ जियो, अपने आनंद से जियो, पर किसी की नकल ना करो। अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हैं हमें उनके जैसे बनना है, आज तक ईश्वर ने किसी को किसी के जैसे बनाया है? बोलो, यदि बन सकते तो भगवान ही ना बना देता। आज तक किसी के फिंगर, किसी का अंगूठा किसी के अंगूठे से मिला है? फिंगरप्रिंट्स किसी के मिले हैं? किसी की आंख किसी की आंख से मिली है? बोलो, आधार कार्ड में आंख भी लिंक होती है, ये फिंगरप्रिंट्स भी लिंक होता है। आज तक आपका अंगूठा और मेरा अंगूठा मैच हुआ किसी का? हो सकता है कोई एक सा हो सकता है? जब कोई एक सा हो नहीं सकता बॉडी से शरीर से, तो विचारों से भी कोई एक सा नहीं हो सकता ना साहब। जितने लोग हैं उतने विचार हैं, इसलिए किसी के जैसे बनने की कोशिश ना कीजिएगा। आप अपने जैसे बनिए जैसे आप हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरे जैसा सिर्फ मैं हूं, कोई दूसरा हो नहीं सकता। आपके जैसे आप हैं, कोई दूसरा हो नहीं सकता। इनके जैसे केवल ये हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। लता जी जैसी केवल लता जी हैं, लता जी जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। रफ़ी जी जैसे रफ़ी जी हैं, रफ़ी जी जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। भगवान राम जैसे भगवान राम हैं, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। हनुमान जी जैसे हनुमान हैं, उनके जैसे कोई हो नहीं सकता। मीराबाई के जैसे केवल मीराबाई, उनके जैसे कोई हो नहीं सकता। सिंपल है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो वैसा ही रहेगा, इसलिए वैसे ही रहो जैसे भगवान ने बनाया है। किसी और की तरह बन के क्या फायदा? हमें नहीं बनना किसी की तरह, हमें अपनी तरह रहना है जैसे हमें ईश्वर ने डिजाइन किया है। हम सांवले हैं, सांवले रहेंगे। हम गोरे हैं, गोरे रहेंगे। हम लंगड़े हैं, हम लंगड़े रहेंगे। हम बहरे हैं, हम बहरे रहेंगे। हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख रहेंगे। हम विद्वान हैं, हम विद्वान रहेंगे। जैसा भगवान ने बनाया है वैसे ही रहोगे। बस वैसे में खुश रहना सीख लो, बस ये आपके लिए है। जैसे बनाया विधाता ने वैसे में खुश रहना सीख लो। हम लोग क्या करते हैं, परेशान रहते हैं। अरे हमारी तो एक आंख में दिखता नहीं, उनकी तो दोनों आंख में दिखता। कोई बात नहीं भाई, मैया ओ मेरी माँ जगा दो मैया को, नहीं पीछे वाली। आप बहुत अच्छे हैं, क्यों मेरी माँ? आप कैसे हैं? अच्छे हैं, बोलो मेरी माँ। क्या आप किसी की तरह हो सकती हो? आप लोग भी देखते हैं उनको, अरे हम उनकी तरह हो जाएं। उनकी तरह दिखने के लिए लोग क्रीम पाउडर पोतने लग जाते, हम भी गोरे हो जाएं। तुम सांवले अच्छे हो, तुम काले अच्छे हो, तुम गोरे अच्छे हो, जैसे हो बहुत अच्छे हो। अपने को किसी और की तरह बनाना मतलब अपना सबसे बड़ा अपमान करना है, अपना अपमान करना है। आप अपने आप से संतुष्ट नहीं है, इससे बड़ा आपका अपमान, आप स्वयं अपना अपमान करते हैं। जहां है मस्त रहो, क्यों जी सही? अटल जी जैसा अटल जी ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मोदी जैसा मोदी जी ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और राहुल जैसा राहुल ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। सब अपनी अपनी जगह, भगवान ने जिसको जैसा बनाया है कोई दूसरे की तरह बन ही नहीं सकता, क्यों जी सही? आपकी तरह आप अच्छे, मेरे हिसाब से तो भाई अपनी तरह रहना चाहिए, किसी और की तरह बनने की कोशिश। हाँ, अच्छे आचरण चुन लो, अच्छे आचरण चुन लो, अच्छी बातें चुन लो,
उन अच्छी बातों पर अमल करो, अच्छे रास्ते पर चलो, फिर आप जैसे हैं ना वैसे में ही आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी। आप सही रास्ते पर चलिए बस। राजन तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। वरी आने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप नृप आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशु यह परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न किया। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावय दिवाचार्चे हया राजन कुटुंब भरडेन वा। निद्रया हमें अपनी नींद पर कंट्रोल करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावय दिवाचार्चे हया राजन कुटुंब भरडेन वा। कम से कम सोइए, जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है तो अपनी नींद पर कंट्रोल। किस पर कंट्रोल? नींद पर। ज्यादा सोना अच्छा होता है या कम? बोलो मेरी माँ, हाँ ना कम ना ज्यादा। कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए हमें 24 घंटे में? बोलो मेरी माँ, कम से कम 6 घंटा। ये दास अनिरुद्ध केवल 6 घंटा ही सोता है। मेरे भाग्य में 7 घंटा सोना नहीं लिखा, ना 8 घंटा। 8 घंटे को तो सोच भी नहीं सकते। 6 घंटा हम रात में ही सोते हैं बस, दिन में सोने का कहां समय रखा है। और रात में भी काम पूरा करके सोते हैं, जो जिम्मेदारी विधाता ने दी है वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं, सोते हैं और सवेरे फिर जागते हैं। जल्दी से सवेरे जागकर हम पहले योग करते हैं, योग अभ्यास प्राणायाम करते हैं, फिर भगवान जी का पूजन करते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, सूर्य अर्घ देते हैं, फिर हवन करते हैं। नित्य हवन करते हैं, फिर हम अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं। 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, 1 घंटा नहीं लगभग 2 घंटा रोज 1 घंटा पढ़ते हैं। और 1 घंटा पढ़ के फिर सुबह जल्दी 8:15 बजे अन्य क्षेत्र की सेवा होती है, अन्य क्षेत्र में आ जाते हैं, अन्य क्षेत्र बांटना है, फिर बंदरों की सेवा, फिर गायों की सेवा, फिर सेवाएं ब्राह्मणों की चरण सेवा, माताओं की चरण सेवा, सेवाएं लग जाती हैं, फिर आपसे मिलना, फिर बीच में प्रसाद पाना, भोजन करना, भोजन करने के बाद फिर आपसे मिलना, कार्य करना, बीच में थोड़ा सा पढ़ना, उसके बाद फिर स्नान करके आपको कथा सुनाने आना, कथा सुना करके शाम को फिर आपसे मिलेंगे। आप दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए, इसलिए दास हर समय आपके लिए तैयार रहता है आप लोगों से मिलने के लिए, ताकि आप आए दूर दूर से तो आपको ये न लगे कि हम मिले नहीं। और फिर आपसे हम प्रश्नोत्तरी भी करते हैं 1 घंटा रोज 7 बजे से। अभी देखो 6 बजे तक तो कथा सुनाएंगे, 6 बजे सुना के फिर जाके आप लोगों से मिलेंगे। मिलने के बाद 10 से 15 मिनट में अपना सारा काम देखेंगे कि क्या क्या काम हुआ आज दिन भर में, 15 मिनट में पूरा विजिट करेंगे कि क्या क्या हुआ, और फिर 7 बजे से आपको प्रश्नोत्तरी सुनाएंगे। प्रश्नोत्तरी के बाद फिर आपसे मिलेंगे, फिर मिलेंगे उसके बाद फिर विश्राम की ओर। और विश्राम जाते ही विश्राम नहीं, दिन भर के जो काम होते हैं वो रात्रि को निपटाए जाते हैं कि क्या काम बचा है, क्या काम, कार्य बहुत है, जिम्मेदारी गोविंद ने जो दे रखी है। हम तो भगवान की पुतली बनकर, कठपुतली बनके जो जो ठाकुर जी ने कार्य दिया है उनके कार्य को उनके आदेश अनुसार वैसे ही करते रहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी मेरी नहीं है, अब मेरी जिंदगी पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मेरा उठना बैठना खाना पीना आपके लिए।
मैं अपने आप को बीमार भी नहीं पड़ने देता, आपको पता है क्यों? कभी कभी मुझे लगता है बीमार पड़ जाऊंगा तो दो चार दिन विश्राम करने को अच्छा मिलेगा, पर मैं अपने आप को बीमार नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़ी दूर दूर से श्रद्धा लेकर कथा सुनने आते हैं, पर मैं बीमार हो जाऊंगा तो फिर आपको कथा कौन सुनाएगा, आप तो कथा सुनने आते हैं। इसलिए अपने आप को आपके लिए स्वस्थ रखता हूं कि आपको कथा सुनानी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है कथा के द्वारा। इसलिए कई बार मुझे भी बुखार आ जाती है शरीर में, बीमारी तो देखो फिर भी आ ही जाती है ना, कई बार मैं बीमार भी हो जाता हूँ, बुखार भी रहती है, पर उस बीमारी पर उस बुखार में भी मैं आपको कथा सुनाता हूँ, रेस्ट नहीं करता। काम जीवन में यदि आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आलस्य नाम की जो बीमारी पाल रखी है उसको निकालो और उसको वाग में स्वाहा कर दो। अपने जीवन में किसको मिटाना है, जोर से, जिस व्यक्ति ने अपने आलस्य को समाप्त कर दिया वो दुनिया में कभी किसी के रोके रुकेगा नहीं है, वो सफल होने में किसी के रोके ना रुकेगा। आलस्य का त्याग कर दीजिए बस। आपके पांव की सबसे बड़ी जंजीर यदि कोई है तो आपका आलस्य प्रमाद है। मैं अपने शरीर को शरीर के हिसाब से नहीं रखता, मैं अपने हिसाब से अपनी बॉडी को रखता हूं। शरीर पर मन पर कंट्रोल, यही तो इंसान। अरे कुत्ता मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बिल्ली से नहीं कह सकता है बिल्ली तू कंट्रोल कर मन पर शरीर पर, ए चिड़िया तू मन पे कंट्रोल कर, ए हाथी तू मन पे कंट्रोल कर, नहीं उनसे नहीं कह सकता ना वो कर सकते। एक इंसान ही है जो मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को संयमी बनाने के लिए पैदा होता है, और जीते जी मन पे कंट्रोल ना कर पाए, अपनी बॉडी पर अपनी इंद्रियों पर अपने विचारों पर अपनी वाणी पर कंट्रोल ना कर पाए तो इंसान किस बात के हो साहब, फिर तो जानवर हो। जिस आदमी के अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं तो आदमी किस बात के हो, दिखने वाले हो आदमी हो नहीं। इतना भी ढील ना दो। महापुरुष ने कहा है सितार के तारों को इतना ढीला ना छोड़ो कि वो बजे ही ना, और इतना भी ना कसो कि टूट जाए, इतना कसो जिससे उससे मधुर मधुर सुर निकलता रहे। क्या बात है, ये जीवन है सितार की तरह। मन को इतना भी ढीला ना छोड़ दो कि मन, रावण ने अपने मन को ढीला छोड़ दिया तो उसके मन ने उससे पराई नारी का हरण करवा लिया कि नहीं। रावण ने हरण नहीं किया सीता माँ का, रावण के मन ने हरण करवाया है। सहमत हैं आप इस बात से कि नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ, रावण के मन ने रावण से सीता माँ का क्या कराया, हरण कराया। रावण ने अपने मन को जरूरत से ज्यादा ढीला छोड़ दिया, बोलो हाँ। आप लोग भी जरूरत से ज्यादा मन ढीला छोड़ देंगे अपना तो तुम्हारा मन भी किसी स्त्री में किसी पुरुष में ही जाएगा। थोड़ा कस के रखो अपने मन को, मन वहां जाए जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं, मन वहां ना जाए जहां आप चाहते ही नहीं है जाना, यही कंट्रोलिंग। इसलिए आपको भगवान ने मनुष्य बनाया है, वरना गधा ना बना देता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। क्यों बनाया भाई आपको मनुष्य, कुत्ता बिल्ली बना देता। इसलिए मनुष्य बने हो तो, मनुष्य बने हो तो उसका लाभ लो, लाभ लो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावया, कम खाओ कम सो ज्यादा जागो, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां तू, क्या सोना जरूरत से ज्यादा। उठो भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान लगाओ, अपने मन को कंट्रोल करो, साधो अपने मन का परीक्षण करो, कितना हमारा मन अभी हमारे वश में हुआ।